हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति और आज मैं यहाँ पे बनाई चॉकलेट बिस्किट पुडिंग। दिस रेसिपी इज़ इंस्पायर्ड बाय बेक विद चिवेश। दो ये मैं उनका एग्जैक्ट रेसिपी फॉलो नहीं की, आई मेड माय ओन चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स दैट अवेलेबल घर पे और मुझे ये जैसे पसंद आता वैसे। आई जस्ट होप आपको मेरा ये वर्जन अच्छा लगे एंड इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ आई रिक्रिएटेड दिस रेसिपी देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 250 ml ऑफ मिल्क। दो कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं है इस इंटायर रेसिपी में, आप अपने हिसाब से आई बॉल करके मेजरमेंट इधर उधर एडजस्ट कर सकते हो। अब जैसे ही ये दूध गर्म होता है मैं इसको ओकेजनली स्टर करूँगी थोड़ा बहुत, बस इसका गर्म होने का वेट करूँगी एंड देन आई विल ऐड द चॉकलेट। मेरे पास यहाँ पे है कैडबरी का फ्रूट एंड नट, मेरे पास चॉकलेट पाउडर नहीं था घर में तो मेरे पास जो था मैं वही यूज़ की। Now we will wait until the chocolate melts down completely. I'll just keep on stirring it occasionally. मैं यहाँ पे 1 pinch salt भी डाली just to balance out the sweetness. And I'm also adding 2 spoon of sugar. क्योंकि मेरे पास चॉकलेट पाउडर अवेलेबल नहीं था सो फॉर द बिटर टेस्ट मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ 2 spoon of coffee powder. ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू लाइक इट। मुझे चॉकलेट में थोड़ा वो बिटर टेस्ट अच्छा लगता है, दैट इज़ व्हाई आई एम एडिंग 2 स्पून ऑफ कॉफ़ी पाउडर। सो अब जब ये ऑलमोस्ट रेडी होने को है, इट्स कमिंग डाउन टू द राइट कंसिस्टेंसी दैट आई एम लुकिंग फॉर, मैं एक बोल में 2 स्पून कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा वाटर लेके उसको अच्छे से मिक्स कर ली। मेक श्योर दैट यू डोंट हैव एनी लम्स और आप कोल्ड वाटर ही यूज़ करें। एंड नाउ दैट यू कैन सी इट केम डाउन टू द परफेक्ट कंसिस्टेंसी, नाउ आई विल ऐड माय कॉर्नफ्लावर एंड वाटर मिक्सचर टू इट और मैं इसको अच्छे से स्टर करूँगी एंड आई विल वेट ये थोड़ा ज़्यादा थिक होने तक एंड आई विल कीप इट आउटसाइड until and unless it comes down to the room temperature. So जैसे ही मेरा pudding room temperature में आ गया, now it's time to layer it up. मैं यहाँ पे ली मारे बिस्किट, मैं इस बिस्किट को ड्रिप कर रही हूँ कॉफ़ी में, ब्लैक कॉफ़ी में, और मैं यहाँ पे ली बस एक बनाना। ओरिजिनल रेसिपी में उन्होंने 2 लेयर ऑफ बनाना यूज़ किया बट आई रियली डोंट थिंक सो बनाना एंड चॉकलेट गोज टुगेदर वेरी वेल, मुझे पर्सनली पसंद नहीं, शायद आप लोग को पसंद होगा। सो आई एम जस्ट यूजिंग 1 लेयर ऑफ बनाना विच आई रियली लाइक्ड बिकॉज आई स्लाइस द बनानाज इनटू वेरी थिन पीसेस, सो वो उतना समझ में नहीं आ रहा था, आई वाजंट गेटिंग बिग बाइट्स ऑफ द बनाना बट इट डिड ऐड ऑन सम फ्लेवर विच वॉज रियली नाइस। सो आई जस्ट डिप इन द बिस्किट कॉफ़ी में और मैं उसको बस लेयर करती रहूँगी। Now that I'm almost done layering up my biscuits, अभी मैं इसके ऊपर 3-4 स्पून चॉकलेट पुडिंग डाल दूंगी और मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी और फिर सेम स्टेप रिपीट होगा, बिस्किट डालूंगी और फिर उसके ऊपर मैं बनाना का लेयर डालूंगी एंड देन आई टॉप इट ऑफ विद द चॉकलेट पुडिंग। मैं पूरा उसको अच्छे से कवर कर दूंगी एंड या दैट इज़ बेसिकली इट। जो एक चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई वो है लेयरिंग कंप्लीट करने के बाद मैं उसके ऊपर डाली कुछ स्नीकर्स की चंक्स। ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मेरे पास घर में स्नीकर्स था ऑलरेडी इसलिए मैं स्नीकर्स की कुछ चंक्स डाली एंड द आइडिया ऑफ हैविंग द नट्स इन इट, तो मुझे लगा कि यह कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। अगर आपके पास जेम्स है तो जेम्स डालें, अगर कोई और चॉकलेट है तो उसको श्रेड करके भी आप डाल सकते हैं। द ऑप्शंस आर एंडलेस, ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे चाहिए या बिना किसी फाइनल टॉपिंग के भी आप कर सकते हो। आई केप्ट इट इन द फ्रिज फॉर 3-4 आवर्स एंड नाउ इट्स रेडी टू सर्व। एज यू गाइस कैन सी द फाइनल रिजल्ट।
So yeah, that is it guys. I just hope you loved this video and please give it a like, and I just hope you guys will help me to grow. And yeah, that is it. Thank you for watching. Take care. Bye bye. See you next time.